हेलो एवरीवन, नमस्ते। मैं शेफ नीरज जैन निराली कुकरी एंड बेकरी इंस्टीट्यूट प्रेजेंट्स निरालीज किचन में आप सबका स्वागत करती हूँ। अभी शिवरात्रि आ रही है तो इस बार जो डिशेस मैंने चॉइस करी है वो है शिवरात्रि स्पेशल फरारी डिशेस। तो चलिए सबसे पहले हम बनाते हैं कोकोनट पोटैटो पेटिस। तो चलिए देखते हैं हम इसमें क्या क्या लगने वाला है। इसके इंग्रेडिएंट्स देखते हैं। कवरिंग के लिए हमको लगने वाले हैं 4-5 उबले हुए आलू, हरा धनिया, 1 टीस्पून शुगर, 1 टीस्पून नींबू का रस, 1/4 कप से आधा कप तक राजगिरे का आटा और 1 टीस्पून अदरक हरी मिर्च का पेस्ट और साथ में हम लेंगे नमक अपने टेस्ट के अनुसार। अब इसके अंदर की कवरिंग के लिए हम लेने वाले हैं 1/2 कप ग्रेटेड कोकोनट, ये फ्रेश कोकोनट है, 1/4 कप मूंगफली दाना, रोस्टेड मूंगफली दाने को हमने पीस लिया है। इसमें भी हमको 1 टेबल स्पून अदरक हरी मिर्च का पेस्ट लगेगा, उसमें भी शक्कर लगेगी 1 टीस्पून, 1 टीस्पून नींबू का रस, 1 टीस्पून नमक और हरा धनिया और 1 टेबल स्पून घी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम कोकोनट पेटिस बनाना, जिसके लिए हम सबसे पहले अंदर की फिलिंग तैयार करेंगे। तो मैं सबसे पहले गैस स्टार्ट करती हूँ। 1 टेबल स्पून हम घी गरम करेंगे। शिवरात्रि स्पेशल डिशेस है हमारी आज की, जिसमें 1 टेबल स्पून हमने घी गरम किया। उसमें डालूंगी मैं थोड़ा सा जीरा और साथ में हम बनाएंगे अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट। तो फिलिंग बनाने के लिए हमने घी गरम किया, उसमें जीरा डाला, अब डालना है हमको अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट। तो ये न्यूट्रीब्लेंड में मैं इसे हरी मिर्च के डाल रही हूँ पीसेस, या आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। मैंने यहाँ 3-4 हरी मिर्च ली है और साथ में ले रही हूँ मैं अदरक के पीसेस। अदरक हरी मिर्च का पेस्ट डालेंगे हम। फिलिंग बनाने के लिए हमने घी गरम किया, आप चाहो तो ऑयल भी ले सकते हो, लेकिन इसमें उपास में हमको जो ऑयल चलता है वो तिल या मूंगफली का ही चलेगा, सोयाबीन ऑयल नहीं चलेगा। तो हमने डाला जीरा, हरी मिर्च, अदरक का पेस्ट और अब इसमें डाल रहे हैं हम फ्रेश कोकोनट 1/2 कप, ग्रेट किया हुआ फ्रेश कोकोनट। साथ में डाल रहे हैं हम मूंगफली, रोस्टेड मूंगफली का पाउडर, ये देखिए रोस्टेड मूंगफली का पाउडर, ये भी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने अभी यहाँ पर 1/4 कप लिया हुआ है और साथ में इसमें डालेंगे हम नमक, वन टीस्पून डाल रहे हैं नमक, 1 टीस्पून शुगर, थोड़ा सा हरा धनिया, क्योंकि हमको इस फिलिंग को बहुत ज़्यादा सेकने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हम मिक्स कर रहे हैं। बहुत से लोग तो इसे घी में सेकते भी नहीं हैं और डायरेक्ट ऐसी सूखी फिलिंग बना के भी भर सकते हैं। तो ये देखिए हम लोगों ने फिलिंग तैयार कर ली, अब इसमें हम थोड़ा सा नींबू का रस भी डालने वाले हैं। मिक्सर हमारा तैयार हो गया अंदर फिलिंग के लिए, अभी हमको इसमें डालना है नींबू का रस। मैंने गैस बंद कर दी और उसके बाद इसमें हम डाल रहे हैं नींबू का रस। नींबू का रस डालें और अब इसको हम पूरी तरह से ठंडा करेंगे। इसे एक बाउल में निकालेंगे
करेंगे, जितनी देर में ये ठंडा होगा हम ऊपर की कवरिंग तैयार करेंगे। अब इसकी हम कवरिंग बनाने जा रहे हैं, जिसमें हम ले रहे हैं उबले हुए आलू। आप इसमें उबला हुआ शकरकंद भी ले सकते हैं। अभी मैं ले रही हूँ इसमें 4-5 उबले हुए आलू। इसमें मैं डालूंगी राजगीरे का आटा, 1/4 कप से आधा कप तक आप राजगीरे का आटा यूज कर सकते हैं। फिर से इसमें मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून अदरक हरी मिर्च का पेस्ट। ये भी आपके टेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है, 1 टीस्पून से लेके 1 टेबल स्पून तक डाल सकते हैं। साथ में डाल रही हूँ मैं हरा धनिया। हरे धनिए के बिना हमको कोई भी डिश अच्छी नहीं लगती है। हरा धनिया हमारे खाने की जान और डेकोरेशन की जान होता है, तो उसमें हमने हरा धनिया भी डाल दिया। अब साथ में डालेंगे हम नमक, 1 टीस्पून शुगर। शुगर ऐसा है जिसको यदि शक्कर ज्यादा पसंद नहीं है, मीठा ज्यादा पसंद नहीं है, तो शुगर को आप अवॉइड कर सकते हो। अब इसमें हम डालेंगे नींबू का रस। हम नींबू का रस, ये देखिए, ये ले लिया नींबू का रस। आप इसमें काली मिर्च का यूज भी कर सकते हो, यदि बहुत तीखा पसंद करते हो तो थोड़ा सा लाल मिर्च भी डाल सकते हो। अब इन सब चीजों को हम मिक्स कर देंगे। इसमें आप बहुत तरह के वेरिएशन कर सकते हो। यदि हम इसमें राजगीरा नहीं डालना चाहते हैं तो आप अरारोट डाल सकते हो, कि अरारोट भी उपास में चलता है। राजगीरे का आटा इसमें बाइंडिंग का काम करेगा, टेस्ट तो बढ़ाएगा ही और बाइंडिंग का भी काम करेगा। लम्स नहीं रहना चाहिए, अच्छे से मिक्स करना है। अब आपको आलू कैसे बॉईल करना है ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। यदि बहुत पानी वाला आलू रहेगा तो आपका कटलेट जो है वो बहुत अच्छे से बनेगा नहीं, यानी जो हम पेटीज बना रहे हैं वो फूटेगा, टूटेगा और आप उसके अंदर भरने लगेंगे तो वो ऊपर से फटेगा। तो हमको आलू भी इस तरह से बॉईल करना है कि आप उसको स्टीम करिए। स्टीम मतलब नीचे पानी रहेगा, फिर उसके ऊपर आप एक बाउल में आलू रखेंगे और उसमें बिल्कुल भी पानी नहीं रहेगा। नॉर्मली हम क्या करते हैं कि आलू को बॉईल करते टाइम पर हमको बहुत जल्दी होती है, एक आलू के 2 टुकड़े या 4 टुकड़े कर देते हैं, खूब सारा पानी डालते हैं, खूब सारी सीटी लगा लेते हैं। उसमें क्या होता है कि आलू एकदम सॉफ्ट हो जाता है और कटे होने के कारण उसके अंदर बहुत सारा पानी चला जाता है। और जब आप उसको आलू के पराठे के लिए भरते हैं या कोई कटलेट बनाते हैं या कोई पेटीज बनाते हैं तो वो फिर क्या होता है कि फूटते हैं पेटीज, आलू के पराठे से मसाला बाहर आता है। तो उसके लिए हमको स्टीम वाला आलू उबालना है और उसमें पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है, उसमें पानी हमको बिल्कुल भी नहीं डालना है, अच्छे से स्टीम देना है और फिर उस आलू को ठंडा करने के बाद में फिर आप इस तरह से मैश कर लीजिए। फिलिंग तैयार, कवरिंग तैयार। अब हम इसकी पेटीज की तैयारी करते हैं। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा अपने हाथ में घी लगा लेती हूँ। जो साइज आप बनाना चाहते हैं बना सकते हैं, और पेटीज बना के आप चाहो इसे तलो या आप इसे रोस्ट करो। तो हम लोग इस एक तंदूर में, एसकेटी तंदूर में वंडर शेफ के इसको रोस्ट करने वाले हैं। शैलो फ्राई जैसा करते हैं वैसा करने वाले हैं। तो अभी देखिए ये फिलिंग हमने इसके अंदर डाली और इसको इस तरह से कवर कर दिया। अब इसको 2-3 तरह से आप सर्व कर सकते हो। इसके ऊपर बारीक साबुदाना, यानी साबुदाने को आप पूरा पाउडर फॉर्म करके और फिर उसको भिगा के और इसके ऊपर लपेट सकते हो। राजगीरे का आटा लपेट सकते हो, सिंघाड़े का आटा लपेट सकते हो। और इस तरह से ये हमने पेटीज तैयार करी और इसको ऐसे बना बना के पहले रखेंगे। आजकल कोई भी ज्यादा तला हुआ, ज्यादा ऑयल, ज्यादा घी पसंद नहीं करता है, तो हम इसको सेकने वाले हैं तंदूर में। हम हल्का हल्का ऊपर से ही ब्रशिंग करेंगे घी या तेल की,
जो ऐसे भी तंदूर हम यूज करने वाले हैं वंडर शेफ का, उसमें एडिशनल ऑयल यदि आपका है तो वो भी एक साइड से निकल जाता है। तो पेटिस हमारे तैयार हो गए। अब हम ये वंडर शेफ का ऐसे भी जो यूज कर रहे हैं इसमें थोड़ा सा ग्रीसिंग करेंगे, हल्की सी। जैसे मैंने आपको बताया कि यदि एक्स्ट्रा ऑयल होगा तो इसमें से निकल जाएगा। अभी ये गर्म हो रहा है, मैंने थोड़ी देर पहले इसको प्री हीट होने के लिए रख दिया था। अब ये जो टिक्की है इसमें भी हम हल्का हल्का क्या लगा देंगे, घी लगा देंगे। घी तेल जो भी आप यूज करते हो, जैसे मैंने आपको बताया फली का तेल, तिल का तेल, उपास में सोयाबीन का तेल नहीं चलता। अब इसे खोलेंगे और इसमें हम ये देखेंगे। और इसे बंद करेंगे। अभी मैंने इसे पूरा प्रेस नहीं किया है, थोड़ा सा जब पेटिस सिक जाएगा तो इसको मैं फिर पूरा जब पूरा बंद हो जाता है स्थिति वो वाले मोड पे ले आऊंगी। यहाँ पे ये बटन दिया हुआ है जिससे हम इसको पूरा ओपन रख सकते हैं, जितना खुला आपको रखना है रख सकते हैं या पूरा उसको हम बंद भी रख सकते हैं। तो अभी आगे की स्टेज आपको मैं दिखाता हूँ। तो देखिए टिक्की हमारी सिक रही है, पेटिस हमारा सिक रहा है, कितना अच्छा कलर आया है। यदि आप इसे और प्रेस करते हैं, थोड़ी टिक्की को क्रिस्पी करना चाहते हैं तो इसे हम पूरा प्रेस कर देंगे। उसके लिए ये हम एकदम ऐसा प्रेस नहीं कर रहे हैं, ऐसा प्रेस करने पर टिक्की दबेगी। एकदम हल्के से हमने रखा हुआ है उसके ऊपर और ये सिक रही है। ये देखिए, तो चलिए देखते हैं हमारे पेटिस। ये देखिए कितना बढ़िया कलर आया है, बहुत अच्छे से ग्रिल हो गए हैं ये। तो चलिए देखते हैं हम लोग कितना सुंदर कलर, इतनी अच्छी खुशबू। और अब इसको हम निकाल लेंगे। ये देखिए बहुत ही बढ़िया ग्रिल हुआ है। देखिए कितने अच्छे से कलर आ गया है, बहुत ही बढ़िया। हमको ना तो इसको डीप फ्राई करना पड़ा ना ओवन चालू करके, छोटा सा हैंडी तंदूर में हमने ये कर लिया। और आप गरम गरम पार्टी में सर्व कर रहे हैं या 5-6 लोगों को आपको सर्व करना है, थोड़ी थोड़ी देर के उसमें कोई आ रहा है तो आप उनके लिए थोड़ी थोड़ी देर में इसमें आराम से 4-4, 5-5, 6-6 सेक सकते हैं। तो अभी बचे हुए भी हम इसके अंदर डाल देंगे। कोकोनट पोटेटो पेटिस को हम लोग ग्रीन चटनी के साथ में, दही के साथ में सर्व कर सकते हैं। तो अभी मैं यहाँ पर दही ले रही हूँ, इसमें हम लाल मिर्च डालेंगे थोड़ी सी, थोड़ा सा भुना हुआ जीरा और साथ में हम दारू लगा रहे हैं ये पेटिस। कोकोनट से या फली दाने से भी हम थोड़ा सा डेकोरेट करेंगे। तो ये देखिए कितना फटाफट तैयार हो गया शिवरात्रि स्पेशल कोकोनट पोटैटो पेटिस।